I'm so excited to bring you this segment, which is known as WordPress ke superheroes. WordPress ke superheroes kaun hai? WordPress ke superheroes are amazing people jinhone sabse pehle to apni zindagi badli, uske baad unhone apne ird gird logon ki zindagi badli, ya unhone society ko kisi tarah se transform kiya. And this person that I'm about to invite is someone that you probably know or you probably have seen as part of the DigiSkills courses, because this guy runs the most popular DigiSkills course on freelancing. Ye course kya hai? Ye course aapko sikhayega ki aap freelancer kaise ban sakte hain. But most importantly, ye course aapko sikhayega ki aap acche insaan kaise ban sakte hain. Kyunki online duniya mein, it's half the job to know the technical skills. The other half is about knowing yourself. Is about keeping yourself motivated, is about finding that passion. I feel so inspired by this person kyunki kafi cheezon mein inhone mujhe mere journey mein inspire kiya. So I am very pleased to invite Hisham bhai here. Assalamu alaikum. Kaise hain aap? Theek thaak sahab, aap suno? Zabardast, theek thaak. Kaisa lag raha hai aapko dobara camera pe aake? Good to be back. It's all coming back to me. भूल गया था, लेकिन स्क्रीन की वजह से भुलाना आसान नहीं. जब तक DigiSkills है, मैं रहूंगा इंशाल्लाह. जबरदस्त. तो हम आपको इस सेगमेंट में लाने की वजह, आपको हमारी जो एक ऑनलाइन व्यूअरशिप है, जो ऑडियंस है, उनसे मिलवाना है, बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. अभी तक आपने उनको बताया कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, आपने उनको उनके पैशन निकाला, उनको मोटिवेट किया, बट नाउ वी वॉन्ट टू नो द सक्सेस स्टोरी ऑफ बींग गुरु. हमारे सामने वी हैव सीन यू स्टार्ट दिस वेबसाइट एंड वी हैव सीन यू कि आपने कैसे उस वेबसाइट की ट्रैफिक बिल्ड की और ऑडियंस बिल्ड की. सो कैन यू टेल अ लिटिल बिट टू द पीपल हु आर वॉचिंग कि व्हाई डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट दिस वेबसाइट. सबसे पहले तो चुका आपका कोर्स वर्डप्रेस का, तो बीइंग गुरु इज एक्चुअली डेवलप्ड इन वर्डप्रेस. लेकिन इस बीइंग गुरु के प्लेटफॉर्म या इनिशिएटिव से पहले मैं तीन वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स को बर्बाद कर चुका हूं. इंटरेस्टिंग. बिकॉज़ आई डिड नॉट डू देम करेक्टली द वे दे वर सपोज्ड टू बी डन. और उनसे जो मैंने गलतियां सीखी, वो गलतियां मैंने बीइंग गुरु के इनिशिएटिव में अप्लाई की कि आप अपने ऑडियंस को मद्देनजर रख के, मैं एक अपनी वीडियोस में बात बोलता था, कार्रवाई करें. ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का नहीं पता, तो आपको ये जो भी कंटेंट आप रख रहे हो अपने वेब पे, वो उसके साथ रेजोनेट ही नहीं करेंगे, वो उसको देखेंगे नहीं, और वो फिर उसके साथ हुक्ड अप नहीं रहेंगे, चाहे इमोशनली, चाहे थ्रू यू नो एनी अदर मीडियम और एनी अदर फॉर दैट मैटर. जरूरी ये है कि आप टारगेट ऑडियंस देख के फिर अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट की बुनियाद रखें. मेरी टारगेट ऑडियंस वो थी, टू बिगिन विद, अल्लाह ने मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल जुबान दी, ऐसे लोग कहते हैं. बीइंग गुरु स्टार्ट करते हुए ये कोशिश की कि टारगेट ऑडियंस इन माइंड रखी जाए, और सबसे ज़रूरी बात, उनको इंस्पायर किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए. बिकॉज जब इंस्पिरेशन होती है तो कोई लॉजिकल और इमोशनल रीज़न भी होती है ब्रांड के साथ हुकअप रहने की. हुकअप करना और हुकअप रखना दो अलग चीजें. एक दफा आया, हुक्ड अप हो गया, चला गया आपका विजिटर, बट वो रिटेन उसी वक्त होगा जब उसके इमोशनल बिहेवियर के साथ आपका ब्रांड रेजोनेट करेगा. सो बीइंग गुरु के केस में मैंने रिटेंशन पे ज्यादा जोर दिया कि उन आंसर को सोसाइटी के, मुलाजमत के, फैमिली के प्रमोट करूं जिनकी वजह से सोसाइटी में डिप्रेशन होता है. और बीइंग गुरु ने फिर मोटिवेशनल यू नो टॉक्स पोस्ट वो प्रमोट करना शुरू कर दी. वर्डप्रेस की वेबसाइट इससे आसान और अच्छा
मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता था. आई एम श्योर आप इनको बता के डिटेल से आ रहे होगे कि वर्डप्रेस क्यों जरूरी है, बट मेरे नजदीक इट्स जस्ट अ वन प्लग एंड प्ले एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, रेस्ट इज बीइंग गुरु. जबरदस्त. एंड आई वुड लव टू नो, द व्यूअर्स वुड लव टू नो कि ये जो गुरु का लफ्ज है, यू आर नोन एज द गुरु ऑफ व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस. हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि ये गुरु की क्या स्टोरी है. गुरु आप कहाँ, किस तरह से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, व्हाट वाज द प्लेटफॉर्म दैट यू यूज्ड टू वर्क ऑन, एंड आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? ये वो बात थी जो मैं अपने कोर्स में नहीं बता सकता था क्योंकि जाहिर है फिर वो सेल्फ प्रेज में चली जाती है. बट नो सेल्फ प्रेज हियर. यहाँ पे ये बता देता हूँ आप लोगों के, guru.com इज अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस. आप लोगों से बहुत सारों को पता लग गया जो कोर्स जो है वो फ्रीलांसिंग का भी साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं. guru.com दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी फ्रीलांस मार्केट प्लेस है और मेरी स्टोरी यहाँ पे तीन तरीकों से फिट इन करती है साथ. द फर्स्ट इज आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु रैंक्ड इन टॉप 10 ऑन guru.com. आई एक्चुअली वॉज टॉप सीड आउट ऑफ 2 million फ्रीलांसर्स फॉर स्ट्रेच्ड 14 weeks. इट्स एन अचीवमेंट आई एम प्राउड ऑफ. अ स्टोरी आई गॉट माई ग्रैंड चिल्ड्रन टू टेल. दूसरी बात, guru.com पे मेरी अचीवमेंट की वजह से मुझे हॉल ऑफ फेम यानी कि टेस्टिमोनियल स्पेस मिली. वो आप मेरे उस पर भी देख रहे होंगे प्रोग्राम में. आज से पहले किसी पाकिस्तानी को हॉल ऑफ फेम नहीं मिला था guru.com पे. और तीसरी स्टोरी वो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, बट चूंकि चल पड़ी वो $1 million जिसने कमाए. तो वो जब मैं लोगों को जाके बताता था यूनिवर्सिटी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में कि guru.com पे मेरी अचीवमेंट है, तो एक दिन मुझे पता लगा कि मेरा नाम ही गुरु पड़ गया. तो बस फिर वहीं से गुरु के साथ यू नो बीइंग गुरु एसोसिएट कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि इफ आई कैन डू इट आप भी कर सकते हैं. जबरदस्त. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी क्रिटिकल. वहां पे जो एक कोई यंग बच्चा या एनीवन हु इज अ प्रोफेशनल जो हमें देख रहा है और हमारी इस बात को सुन रहा है, समझ रहा है, उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि वो वर्डप्रेस को सीखते हुए या किसी भी टूल को फॉर दैट मैटर सीखते हुए क्या वो एंटरप्रेन्योर बने, क्या वो फ्रीलांसर बने या वो एक स्मार्ट वर्कर बने. एंड जस्ट टू गिव यू अ क्विक कॉन्टेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली एक ऑनलाइन बिजनेस पर्सन, फ्रीलांसर फॉर अस इज समबडी हु वांट्स टू वर्क ऑनलाइन एंड मेक मनी. स्मार्ट वर्कर हमारे लिए वो है जो हमारे टूल को यूज़ करके कहीं अच्छी नौकरी ढूंढ सकता है. आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि फॉर यू What is your advice to that young person sitting out there listening to us, कि वो किस तरह से अपना एक पाथवे बनाए अपनी आप को सक्सेसफुल करने के लिए इन दिस लर्निंग जर्नी, वेदर इट्स टू फ्रीलांसिंग या वर्डप्रेस. क्या तीन ये जो ऑप्शन दिए मैंने आपको, इनमें से आप उसको सजेस्ट करें? Give me 10 lives. I will always choose freelancing. The reason why I will choose freelancing, देखो मैंने बीइंग गुरु के केस पे एक्सपीरियंस किया और मैंने अपने बाकी बिजनेसेस के केस में एक्सपीरियंस किया कि पैसा अनलिमिटेड है. स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं और एंडिंग डेस्टिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं. सो आपके तीन ऑप्शंस में से मैं दो पिक कर लेता हूं. एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया प्ले स्मार्ट लर्न स्मार्ट एंड ऑफर दैट सर्विस एज एन एम्प्लॉय फॉर परहैप्स कपल ऑफ इयर्स इन योर करियर स्टार्ट में जो न्यू वीजा. वंस यू गेट गुड एट इट, आपको प्लगइन्स की कमांड होगी जो आपने बताए होंगे, जो आपको वर्डप्रेस पे काम करने की कमांड हो गई, रिस्पॉन्सिव थीम एंड ऑल दैट स्टफ. उसके बाद उस स्किल को अपने फ्रीलांस काम के लिए यूज करना शुरू कर दे ऑन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस. आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, उस एक्सपीरियंस को लेके आप एज अ फ्रीलांसर अपनी जॉब की तनख्वाह से बेशुमार कमा सकते हो. यानी कि यहां पे स्काई इज द लिमिट, बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है. आप 2-1 साल या 1.5-1 साल जितना आप बेहतर समझते हो अपनी स्किल को पॉलिश करो, किसी के लिए जॉब करीजिए, स्मार्ट सीखिए. और सीखने के बाद मेरी गुजारिश है इस सर्विस को फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे बेचिए, अपना ब्लॉग चलाइए. जैसे मैंने इस सर्विस को एज अ वर्डप्रेस डेवलपर फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे बेचा भी और मैंने बीइंग गुरु के प्लेटफॉर्म में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वर्डप्रेस को माशाल्लाह ठीक ही किया, जो भी किया माशाल्लाह जबरदस्त.
One last, not the least, but very important question. How do you motivate yourself every day? And saath hi saath, aapki kya advice hai to our young people out there who have to get out of their bed, which is very difficult, and you know, sari wo cheeze chhod ke, they have to motivate themselves. Kya karein wo, aapki kya suggestion, aur aap apne aap ko motivate kaise karte hain? Thoda critical analysis kar lete hain cheez ka. Mujhe jo cheez pinch karti thi na, jab main, when I was growing up as a kid, वो पिंच ये करती थी कि मैगजीन कवर पे बिल गेट्स क्यों आता, मैं क्यों नहीं आता? मैगजीन कवर पे स्टीव जॉब्स आता है, हमारा पाकिस्तानी क्यों नहीं आता फॉर दैट मैटर? और जब अपनी पिक्चर वन फाइन मॉर्निंग हॉल ऑफ फेम में देखते हैं, उसके साथ पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं डिजिस्कल्स पर? इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान करंटली रैंक्स एट नंबर 4th एज टॉप फ्रीलांसिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री. हम चाहते हैं कि हम 4th से पहले नंबर पर चले जाएं. अच्छा, वो कैसे होगा? इन लोगों की वजह से होगा जो अभी देख रहे हैं, जो काम करना सीखेंगे, जो अपनी स्किल में महारत हासिल करेंगे, और उसके बाद वो उनके लिए पूरा इवन फील्ड है, यू नो, लेवल प्लेइंग फील्ड है. सो मुझे जो चीज़ हमेशा इंस्पायर करती रही और आज तक करती है, एवरी सिंगल मॉर्निंग आई वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. यहाँ तक मेरा जर्नी पहुँच गया, अब इससे बेहतर होना चाहिए. हदीस शरीफ है कि मोमिन के 2 दिन अगर एक जैसे हो तो खसारे में है, यानी कि तुम्हारा आज का दिन तुम्हारे गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए और तुम्हारा आने वाला दिन तुम्हारे आज के दिन से बेहतर होना चाहिए. इसीलिए अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम अपने लिए बेहतर मौके ढूंढते हैं. उसमें मैंने जो चीज़ देखी है साथ, वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग फैक्टर इन रीसेंट ईयर्स इज माई एबिलिटी bestowed upon the Almighty to contribute and pay back to my community. अच्छा, ये चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करती है कि किसी न किसी तरीके से ना लोगों को तैयार किया जाए. ये मेरा एक मोटिवेशनल फैक्टर है, बिकॉज सक्सेस जो है ना इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस. तो तय ये पाया कि खुश रहोगे तो कामयाब होगे, कामयाब होगे तो पैसा कमाओगे. मेरी पहली खुशी लोगों के साथ है, और जो दूसरा उसमें एट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ये कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में होना चाहिए. नेक्स्ट बिग आइडिया पाकिस्तान से निकलना चाहिए. अगर आज आप वर्डप्रेस का कोर्स इनरोल किया हुआ है तो कल इसी वर्डप्रेस को यूज करते हुए आप कल ऐसी साइट बना लो जो दुनिया भर में मशहूर हो जाए. जबरदस्त, थैंक यू सो मच. आई थिंक विद दिस इंस्पायरिंग नोट, ये वाला हमारा जो सेगमेंट है, इस तरह बहुत सारे और वर्डप्रेस के सुपर हीरोज हैं जिनसे हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं. बिकॉज वर्डप्रेस इज जस्ट अ टूल, ये सिर्फ एक टूल है. देयर इज अ वर्ल्ड आउट देयर, आपने बनाना है. आपने वर्डप्रेस को यूज करते हुए दुनिया की सबसे बिगेस्ट वेबसाइट विद मोस्ट ट्रैफिक बनानी है. आपने इस साइट को यूज करते हुए अपनी जिंदगी बदलनी है. आपने इस साइट को यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी बदलनी है. विद पीपल लाइक हिशाम who are our mentors, who stay with us, who teach us, we are hopeful ki hum Pakistan ko ek next generation digital economy bana sakenge. I hope you learned, but there is much more to come in the future lessons. Let's grow together, let's work together, and let's change Pakistan.